पर्यावरण दिवस पर केबीके में हुई खास जी नमस्कार। मैं जगन्नाथ और आप सब देख रहे हैं अपने आसपास की खास खबरें। आइए आज आप सबको लेके चलते हैं केबीके कृषि विज्ञान केंद्र बेंगाबाद जो फिटकोरिया स्थित है। बताया जाता है पर्यावरण संरक्षण के लिए लोगों को जीवन शैली में बदलाव लानी होगी, प्राकृतिक खेती को पुनः अपनाना पड़ेगा। उक्त बातें केबीके के प्रधान डॉक्टर पंकज सेठ ने कही। वे 22 जून से 28 जून तक विभिन्न गांवों में चली जागरूकता कार्यक्रम के समापन के मौके पर दौरैया स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में किसानों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कृषि में आधुनिकता के कारण रासायनिक खादों का अधिक प्रयोग हुआ, भूमिगत जल का दोहन हुआ, वहीं भूमि की उर्वरा शक्ति में कमी आई। उन्होंने कहा संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट में 2030 तक भूमिगत जल के दोहन का दुष्परिणाम देखने को मिलेगा, इसके लिए अभी से ही सतर्क होने की जरूरत है। कहा भूमिगत जल का दोहन सर्वाधिक कृषि कार्य में पटवन में होती है, इसे बचाने के लिए प्राकृतिक खेती जिसमें महुआ, गोंदली, बाजरा, मक्का, दलहन, अन्य मोटे अनाज सहित वैसी खेती जिसमें पानी की मात्रा कम लगती है, खेती को बढ़ावा देना होगा। देसी गाय, जैविक खेती, रासायनिक खाद का इस्तेमाल कम करने की भी बात कही। का भूमिगत जल संरक्षण के लिए टपक विधि से सिंचाई, सीरीज में चेक डैम निर्माण, मेड़बंदी जल स्रोत का संरक्षण सहित अन्य उपाय अपनाने होंगे। मौके पर कई किसानों के बीच विभिन्न प्रजातियों के पौधे भी बांटे गए। मौके पर किसान व अन्य वैज्ञानिक भी मौजूद थे, जिसमें खास करके कृषि विज्ञान केंद्र के सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर पंकज सेठ। वहीं बताया जाता है मौके पर साइंटिस्ट डॉक्टर नवीन कुमार, साइंटिस्ट डॉक्टर अभिषेक कुमार, चेयरमैन एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, श्री ओंकार सिंह मेंबर एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन बिहार, एम डी रजा कलाम मेंबर एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, श्री मनोज कुमार, श्री गूगल भारती नीरू यादव समेत कई साइंटिस्ट वहां पर मौजूद थे। कार्यक्रम को देखने के लिए और कार्यक्रम में भाग लेने स्थानीय ग्रामीणों और किसान भी काफी संख्या में मौजूद थे। आइए देखते हैं डॉक्टर पंकज सेठ क्या कहते हैं और अन्य डॉक्टर अभिषेक कुमार क्या कहते हैं। तो फिर बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहे कब, कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम। सर बताएंगे इस प्रोग्राम के बारे में। आज हम लोग कृषि विज्ञान केंद्र में दो मुख्य प्रोग्राम किए हैं, एक पर्यावरण दिवस के अवसर पे। तो पर्यावरण दिवस के अवसर पे हम लोग लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट के मिशन कार्यक्रम के तहत पर्यावरण संरक्षण के लिए प्राकृतिक खेती का महत्व के विषय पे हम लोग आज चर्चा किए। दूसरा प्रोग्राम था जिसमें उद्यमी संघ के नई दिल्ली के चेयरमैन भी थे अभिषेक जी, उसमें हम लोग कृषि संवाद का एक कार्यक्रम रखे जिसमें प्रगतिशील किसान, एफपीओ के मेंबर, इनपुट डीलर के मेंबर, ये सब सारे भाग लिए। और इसमें हम लोग खुली मंच का एक आपसी बात का मतलब चर्चा किए, जिसमें कृषि से लेकर समस्या, उसका कृषि उत्पादन का मार्केटिंग, उनका लिंकेज, कृषि क्रेडिट कार्ड, ये सब का हम लोग चर्चा किए। और साथ में हम लोग कृषि संवाद करने का मुख्य उद्देश्य ये था जो किसान है उसको एग्रीप्रेन्योर कैसे बनाया जाए, उद्यमी कैसे बनाया जाए, उसको लेकर हम लोग विशेष चर्चा किए। और उसमें नई तकनीकी का उपयोग करके कृषि उत्पादन को तो टिकाऊ करना ही है, साथ में उसका मार्केटिंग, उसका उत्पाद कैसे विदेशों तक पहुँचे, इसका हम लोग विशेष चर्चा किए। जैसे कृषि संवाद में जो किसान लोग हैं गिरिडीह के, वो लोग उद्यमी की तरह सोचे, जो भी उत्पाद जो भी वो पैदा करते हैं पैदावार उसको वो सही रेट उनको मिले, उसका अगर एफपीओ या समूह के रूप में बना करके अगर पैदावार करें, उसका सही से पैकेजिंग हो और सही से अगर उसका मार्केट लिंकेज किया जाए तो इनकी आमदनी बढ़ाई जा सकती है। इसके लिए राज्य सरकार हो या भारत सरकार की अलग अलग जो भी योजनाओं, ये कैसे इनको जोड़ा जाए, सिर्फ बताया नहीं जाए बट उसको जोड़ा जाए, उसके लिए जो भी पात्रता है
एलिजिबिलिटी है उसको कैसे मीट किया जाए, और समूह बना के बहुत से लोग हैं समूह में, कुछ लोग वो जो फॉर्म भर सकते हैं आवेदन कर सकते हैं, उनको ट्रेनिंग से और आगे बढ़ाया जाए, तो ये हम लोग का उद्देश्य है। ये गिरिडीह में है कि गिरिडीह पूर्ति में या बहुत सारा स्कीम, क्योंकि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में है तो उसका भी बहुत सारा स्कीम का यहाँ फ़ायदा योजनाओं का मिल सकता है। एमएसएमई मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अलग से स्कीम है, पर लोगों को बहुत लोगों को अवेयरनेस नहीं है। अब जैसे बकरी पालन में 25-30 लोग हैं हाथ उठाएँ जो महिलाएँ, लेकिन आज तक ट्रेनिंग नहीं ली। मुर्गी पालन में बहुत लोग हैं, जेंट्स भी हैं, लेकिन ट्रेनिंग कभी नहीं हुआ। तो ये लोग कभी जो भी पैदा कर रहे हैं वो किसान की तरह सोच के, कभी कृषि उद्यमी बन के नहीं सोच पाए, उसके चलते अभी इनको बहुत ज़रूरी है कि इनको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग ट्रेनिंग दें और इनको हैंड होल्डिंग करें, ताकि कृषि उद्यमी की तरह अपना एक बिजनेस की तरह खेती करें, जिससे किसानों को अधिक लाभ होगा। बहुत लाभ होगा और योजनाओं से जुड़ेंगे साइंटिस्ट। केवीके में करने का, कृषि संवाद का यही होता है कि यहाँ पे साइंटिस्ट लोग रहते हैं, कुछ पूछना है टेक्निकल चीज़ आप यहाँ पूछ लीजिए, बाकी बिजनेस से रिलेटेड मार्केट क्या उगाए नहीं उगाए सब हम लोग के लिए, हम लोग उसको बताएंगे क्या मार्केट है, कितना दाम मिल रहा है, नहीं बिक रहा है तो कैसे बेचे, उसकी ट्रेनिंग हम लोग दे रहे। तो ये उद्देश्य रहता है। कल जैसे हम लोग जामतारा में जा रहे हैं, वही झारखंड के हर जिले को हम लोग अगले 3 महीना में पूरे कर लेंगे। सर, यहाँ पर जिले के लगभग प्रखंडों से प्रतिभागी उपस्थित यहाँ पर हैं, तो इन लोगों की ओर से क्या, किस ट्रेड में आखिर किस योजना के बारे में ज़्यादा जानकारी लेने की उत्सुकता दिखी? जैसे सबसे ज़्यादा तो बकरी पालन और मुर्गी पालन में लोग इन्वॉल्व हैं, कुछ लोग मशरूम में हैं और मधुमक्खी पालन की भी जानकारी ले रहे हैं, और FPO भी यहाँ पे 5-5, 6-6 FPO हैं, तो FPO भी अभी आगे बढ़ने के लिए है। कुछ FPO मतलब अच्छा कर रहे हैं, कुछ और लोग अभी प्रोसेस में हैं। FPO के माध्यम से भी बहुत सारे स्कीम दिया जा सकता है, तो वो हम लोग सारा भी डिस्कशन किए, इसको चर्चा किए कि क्या क्या किया जा सकता है। ना पड़ेगा भटकना फेक शेयर और व्यूज पर, क्योंकि क्या कब कहां कैसे की सबसे तेज और सटीक कवरेज मिलेगी आपको BNB ऑल इंडिया न्यूज पर। हर खबर को आप तक पहुंचाने से पहले खरे सोने की तरह तौलेगा। आप बने रहें BNB ऑल इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि BNB सच है तो बोलेगा।